उधर मध्य प्रदेश के दमोह जिले के गंगा जमुना स्कूल के हिजाब पोस्टर वाले मामले पर इंडिया न्यूज पर खबर चलने के बाद इसका असर हुआ है। इस मामले में वहां के कलेक्टर ने एक बड़ा एक्शन लिया है। यहां ड्रेस कोड से हिजाब और स्कार्फ को हटाने के आदेश जारी किए गए। साथ स्कूल में सुबह की प्रार्थना की शुरुआत राष्ट्रीय गान से करने के लिए कहा गया है। आपको मालूम होगा कि मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पर नाराजगी व्यक्त की थी। इसके बाद राज्य के गृह मंत्री ने डीएम को जांच के आदेश दिए थे। अब प्रशासन ने गंगा जमुना स्कूल प्रबंधन से ड्रेस से स्कार्फ और हिजाब हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साथ लव पे अति दुआ जैसे गीतों के स्थान पर सुबह प्रार्थना में केवल जन गण मन गाने को कहा है। और ये जानकारी भी आ रही है कि इस स्कूल की मान्यता को भी ही समाप्त कर दिया गया है। शर्मसार करने लायक है और मैं जिला प्रशासन ने वो फिर से उसको संज्ञान में लिया है और प्रदेश के गृह मंत्री जी ने संज्ञान में लिया है, इसलिए मैं गृह मंत्री जी का आभारी हूँ। लेकिन चूंकि ये घटना दमोह की है तो ये बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जितनी भी सख्त कार्रवाई हो सकती है प्रबंधकों पर, इस आयोजन के पीछे जिनकी ये गंदी मानसिकता है उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए। कई बार हम छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई करके मुक्त हो जाते हैं और इसलिए मैं फिर से मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का धन्यवाद करता हूं और उनसे यही चाहूंगा कि इस मंशा के पीछे जो लोग हैं उनको नहीं बख्शा जाना चाहिए, ये जरूर मैं कहूंगा। मैटर संज्ञान में आया, किसी भी बेटी को ये कोई स्कूल बाध्य नहीं कर सकता कि वो कोई ऐसी चीज पहने जो उनकी परंपरा नहीं है। मामला मेरे संज्ञान में आया है दमोह के स्कूल का और मैंने जांच के निर्देश दिए हैं और जांच के बाद तथ्यों के आधार पर फिर हम कार्रवाई करेंगे। जब से इस स्कूल का 2012 से रजिस्ट्रेशन हुआ है उस समय से आज तक शिक्षा विभाग ने इस मामले को संज्ञान क्यों नहीं लिया? पिछले विगत वर्ष भी आपके घर में आपकी भतीजी पढ़ रही है कि आपने रोका टोका या कुछ जानकारी के क्यों ऐसा हो रहा है? उसने हम बताया कुछ नहीं, उसने ये बोला कि हम स्कूल के अंदर जाते हैं तो हमारे लिए वो स्कार्फ जो रहता है हिजाब वो पहनना पड़ता है। बच्ची सिक्स क्लास में जैसे ही आई हिजाब पहनकर आती थी, एक दो बार हमने उसको घर पर डांटा कि क्या पहने हो तो उसने ये बोला कि पापा वहाँ पर ये रीति रिवाज है। लेकिन दूसरे दिन से वो हिजाब पहन के घर पर नहीं आती थी, लेकिन इसके बाद जब वो स्कूल जाती थी स्कूल परिसर में एंट्री करती थी तो उसके हिजाब पहनना जरूरी रहता था, ऐसा उसने हमारे लिए बताया। उसमें हिंदुओं की बच्चियों को हिजाब पहनाया जा रहा है और जिस पर कई लोगों ने अपनी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और दमोह के कलेक्टर महोदय, शिक्षा अधिकारी, अन्य पुलिस अधिकारियों ने इसकी जाँच कराई तो जाँच में उन्होंने उस स्कूल को क्लीन दी। क्लीन चिट देने का मतलब क्या होता है कि 2-4 घंटे में आप किसी को भी उठा के क्लीन चिट दे देंगे। क्या पूर्व में जो गतिविधियां हुई हैं अधिकारियों द्वारा लीपापोती की गई एक धर्मांतरण के विषय में भी, क्या वैसा ही इस मामले में भी करेंगे? तो फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप चलते रहिए इंडिया न्यूज के साथ।